देखो सर, हेलो, ये ट्रेनाकुलर माइक्रोस्कोप है। हमने इस पर कैमरा लगाया हुआ है, ये इसकी वायर लगा रखी है हमने। यहाँ से कैमरे से कनेक्टेड करके ऐसे लैपटॉप में इधर डाल देना है। ओके, तो इसकी देखो माइक्रोस्कोप यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ये ऑन ऑफ है। इधर से डिमर है, ये कम लो और हाई पावर के लिए। ये मीडियम रखनी है लाइट कैमरे के हिसाब से। और ये हमारे चार लेंस लगे हैं, इम्पोर्टेड लेंस लगे हुए हैं हमारे 100, 40, 10 और ये इधर 4x। ये इम्पोर्टेड लेंस है। ये मैं 10 पे पहले फोकस कर रहा हूँ, फिर मैं कैमरे में कैसे आपको वीडियो दिखाता हूँ कैसे आपने यूज़ करना है कैमरा। और सबसे पहले तो आपने ये सॉफ्टवेयर है ये इसमें इंस्टॉल कर लेना है कैमरे में, इसमें लैपटॉप में कैमरे का सॉफ्टवेयर है ये। फिर मैं आपको 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 से 40, 40 से 100, फिर इसके बाद 4x। और ये मैं 10 से अब मैनुअल सेट कर रहा हूँ। अब मैंने अंदर का व्यू बिल्कुल क्लियर देख लिया है, ठीक है। उसके बाद और ये कोर्स मोशन है, ये फाइन मोशन है, ये कोर्स मोशन है, ये फाइन मोशन है, ठीक है। ये एक्सल मैकेनिकल है, इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो नोब से, ऐसे और ऐसे बिल्कुल, ठीक है। अब मैं 10 से ये मैंने इसको स्टार्ट किया है और ये फोकस आ गया है। अब हमने कैमरे पे करना है, इसके लिए पुल करना पड़ता है इस नॉब को, इस नॉब को हमने पुल करना है, खींचना है इसको बाहर की तरफ, ठीक है। ये कैमरे में स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो अभी ये 10x पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने 45 का इस यहाँ से फाइन कर लेना, बस आपने थोड़ा सा को नीचे ये इसको यहाँ जहाँ फाइन आ जाए वहीं छोड़ देना, ठीक है। और ये 100 है, ये बस मैंने क्लियर कर लिया, ये 100x है। और इसी तरह से ये अब हमने लास्ट में हमने 4x का व्यू दिखा दिया है, ये देखो 4x। और इसी तरह इसको स्नैप और रिकॉर्डिंग भी दिखा रहे हैं, स्नैप यहाँ से करो खींचना है।